नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल से। या दोस्तों, ये खबर जुड़ी हुई है नेपाल के एक ऐसे प्रोजेक्ट से जिससे कि बहुत से लोगों की यहाँ पे जिंदगियाँ सुधर सकती हैं। और कहीं ना कहीं ये मशीन जो कि अब तैयार हुई है वो सबसे डिफरेंट सी दिखाई देने वाली मशीन बन चुकी है। और इसके साथ साथ ये मशीन क्या काम करके देगी जिससे कि यहाँ पे लगभग हम कह सकते हैं कि लाखों नेपालियों की जिंदगी सुधरने वाली है। जहाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च हुआ था अभी पिछले ही दिनों और यहाँ पे इस पर काम करने के लिए भी ताबड़तोड़ हो चुका है नेपाल। तो क्या है ये सारी खबर, खबर को विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस परियोजना को मुझे देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है कहीं ना कहीं कि नेपाल एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश कर रहा है और ये दोनों को दोनों निशाने भी सही स्टीक जगह पर भी लगने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे क्या, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ पे नेपाल पिछले 3 सालों से इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है जिससे कि जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ा जा सके और जल्दी से जल्दी जो यहाँ पे अभी ग्रोथ रेट है, जो ह्यूमंस रहते हैं उनकी आय को बढ़ाया जा सके ताकि उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो सके, जीडीपी बढ़ सके, खुशहाल जिंदगी वाले जीवन को हम पा सकें, ऐसी यहाँ पे परियोजनाएं लाई जा रही हैं। उसी के अंदर की एक ये परियोजना है, तो मैं आपको बता दूं कि नेपाल की एक ये परियोजना है जिसके अंदर सिंचाई की जाएगी और इसके साथ साथ विद्युत भी बनाई जाएगी और उसको भी एक यहाँ पे ऐसे कहें कि एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी के जरिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल की सिंचाई और सहजल विद्युत सुरंग निर्माण के लिए टनल बोरिंग मशीन है वो लॉन्च हो चुकी है और इसके लिए जो मशीन बनाई गई है वो देखकर आप सभी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस होगा कि कितनी बढ़िया ये मशीन है। और मैं आपको बता दूं कि 14 अक्टूबर को नेपाल की सुनकोसी मरीन यहाँ पे डाइवर्स बहुउद्देशीय परियोजना, मतलब मल्टीपल जो जिसके एम्स हैं इस परियोजना के, उस परियोजना के तहत लगभग 13.3 किलोमीटर लंबी एक सुरंग का निर्माण करना था और उसका एक नया चरण जो कि अभी यहाँ पे नया एक स्टेज लॉन्च किया गया है उसके तहत यहाँ पे जो डबल शील्ड टनल बोरिंग मशीन है उसको लॉन्च कर दिया गया है जिसे TBM के नाम से पुकारा जा रहा है और वो चालू होने के लिए भी तैयार है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि नेपाल को ये जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होने के बाद नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री हैं उनका ये कहना है कि ये बहुत से फायदे हमें देने वाली है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेपाल सरकार द्वारा ये जो गौरव की राष्ट्रीय गौरव परियोजना के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और परियोजना का उद्देश्य जो है वो सुरंग के माध्यम से जो यहाँ पे सुनकोसी नदी है उससे पानी को यहाँ पे मरीन नदी की ओर मोड़ना है और मरीन नदी में वैसे भी कम पानी रहता है तो वहाँ से यहाँ पे ताकी, धनुषा, महोतारी, सरलाही और यहाँ पे रोहतक और 12 जिलों में लगभग 1,22,000 हेक्टर कृषि भूमि की सिंचाई की जा सकेगी और लगभग तराई का मैदान पूरा का पूरा यहाँ पे सिंचाई के लिए या फिर फार्मिंग के लिए उपलब्ध हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इससे एक तो कृषि हो रही है, दूसरी बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे नदी सुनकोसी नदी है उससे पानी जो इधर लाया जाएगा तो जो बाढ़ का खतरा है वो भी टलेगा। जब भी यहाँ पे सुनकोसी में बहाव ज़्यादा दिखाई देगा तो उसे हम उस पानी को हम कहीं ना कहीं मरीन नदी की ओर मोड़ सकते हैं आसानी से सुरंग के जरिए। और तीसरी बड़ी बात यह है दोस्तों कि सुरंग से जरिए अगर पानी को आप ला रहे हैं कहीं से तो वो पानी शुद्ध रहेगा, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी क्योंकि खुले पानी के अंदर वैसे भी खराब हो जाता है पानी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि खुले पानी के अंदर चोरी की समस्या भी आती है, तो कहीं ना कहीं सुरंग के जरिए ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉफिटेबल बात है। और इससे भी बड़ा यहाँ पे काम ये है दोस्तों कि ये इतना काम तो करेगा ही करेगा, जैसे सिंचाई का काम हो गया, शुद्ध पानी प्रोवाइड करवाना हो गया, बाढ़ के समय में इसमें यहाँ पे जल स्तर को नीचा करना हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे एक मेन उद्देश्य और भी है जो है कि यहाँ पे बिजली आपूर्ति, जो कि इस क्षेत्र के अंदर बिजली आपूर्ति के लिए भी ये जो यहाँ पे सुरंग है वो काम करेगी। और लगभग अगर बात करें किल्लत के समय में तो किल्लत के समय में बिजली को दूर करने के लिए ये 28.62 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए एक बिजली गृह भी बनाया जाएगा जो कि एक सुरंग के बहुत से फायदे हमें नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सिंधौली जिले में परियोजना को चाइना
ओवरसीज इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड और चाइना रेलवे नंबर टू रेलवे नंबर टू इंजीनियरिंग ग्रुप कंपनी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से इस यहाँ पे परियोजना को चलाया जा रहा है, और जिसे यहाँ पे टीबीएम कहा कहने के साथ साथ नेपाल में बेरी बम्बई सुरंग निर्माण परियोजना को पूरा किया गया था पिछले साल, जो कि ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्ट है लगा था। और अब ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो इससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं सिनहुआ जो प्रोजेक्ट है, या फिर हम ऐसे कहें कि ये जो सुरंग वाला प्रोजेक्ट है वो मुझे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लगा है दोस्तों अब इस टाइम का। कहीं ना कहीं आप बताइए इसके बारे में क्या आपकी विचार है, अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।